गाना साहिब में दौराने ड्यूटी डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल अरसलान शहीद, आईजी पंजाब फैसल शाहकार का वाकये का नोटिस। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जेर सदारत पंजाब पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। इजलास में पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने 6 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए और विहाड़ी पुलिस ने बदनामे जमाना मुश्ताक उर्फ शाकी चोर गैंग के सरगना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, सीएफ स्टडी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ननकाना साहिब में दौराने ड्यूटी डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल अरसलान शहीद हो गया, आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने वाकये का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब ने आरपीओ शेखुपुरा से वाकये की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का कहना है कि कांस्टेबल अरसलान जैसे फर्श शनास अहलकार महकमे पुलिस के माथे का झूमर हैं। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जेर सदारत पंजाब पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड बारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड साहबजादा शहजाद सुल्तान और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस के खिलाड़ी कबड्डी वॉलीबॉल टीम समेत दीगर अहम खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल पंजाब पुलिस ने कौमी सतह के मुकाबलों में 24 मेडल्स हासिल किए। आईजी पंजाब ने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हर मुमकिन हौसला अफजाई की जाए। खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके और ट्रेनिंग के लिए सहूलतों की फरहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाए। पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उनकी बरवक्त तरक्कियों पर तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ। इजला और रीजन की सतह पर खेलों के मुकाबले सालाना शेड्यूल के मुताबिक बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने 6 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। हरबंसपुरा पुलिस ने 3 और इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 1 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार किया है। मुलजमान फ्रॉड और धोखाधही के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे, जबकि थाना मस्ती गेट पुलिस ने रहजनी के मुकदमे में मतलूब 1 इश्तिहारी और समानाबाद पुलिस ने बिजली चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम जफर को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल का कहना है कि इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसायल बुरे कार ला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी पुलिस लाहौर की अहम कामयाबी, पुलिस ने जाली करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम मजहर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से हज़ारों रुपये जाली करेंसी बरामद हुई है। इंस्पेक्टर सैयद असरार हुसैन के मुताबिक मुलजिम चोरी, डकैती और नाजायज असलहे के मुकदमात में टोबा टैक्सिंग पुलिस को भी मतलूब था। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। सियालकोट पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान पिशावर से मनशियात लाकर पंजाब के मुतादिद शहरों में सप्लाई करते थे। डीपीओ सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए बैनुल सूबाई मनशियात फरोश नेटवर्क की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। ज़िला भर के दीगर थानों में रवान साल में 1625 मनशियात फरोशों के कब्जे से 2000 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात बरामद की जा चुकी हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 40 मोटरसाइकिलें और 18 लाख रुपये नकदी भी बरामद की है। सैलाब से मुतासर इलाकों में लैया पुलिस की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस बोट्स के जरिए सैलाबी पानी में फंसे लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस जवान मवेशी और दीगर सामान को भी पानी से बाहर निकाल रहे हैं। पुलिस अफसरान और अहलकारान दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुसीबत की इस घड़ी में लैया पुलिस सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। रावलपिंडी पुलिस के मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना पत्रियाटा बनी और पीर वधाई पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजमान गिरफ्तार करके 6 किलो के करीब चर्स बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। विहाड़ी पुलिस ने बदनामे जमाना मुश्ताक उर्फ शाकी चोर गैंग के सरगना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना सिटी मेलसी शबीर अहमद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गैंग को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल समेत 1,52,000 रुपये मालियत का माल मसरूका और 3 अदर पिस्टल बरामद करके मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है।
ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए psa.media और सोशल मीडिया पेज।